तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपसे रियलमी के नार्जो 30 प्रो का पबजी रिव्यू करूंगा और साथ ही हम इसके ग्राफिक्स पर भी नज़र डालेंगे कि ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है। तो अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें हमें डायमेंसिटी का 800U का 5G प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो अभी देखने वाली बात ये होगी कि ये प्रोसेसर हमें क्या परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। तो दूसरी तरफ अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि 30W के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, डोंट वेस्ट द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ग्राफिक्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग्स में, सेटिंग में जाने के बाद हम जाएंगे ग्राफिक्स में। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि स्मूथ में अल्ट्रा की ऑप्शन अनेबल है। इसमें हमें आफ्टर अपग्रेड कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता, मतलब कि हम 18 से 20 हज़ार खर्च करें इस ग्राफिक्स के लिए, ये तो बात सही नहीं है यार। आप लोगों की क्या राय है, हमें स्मूथ प्लस अल्ट्रा के लिए इतने पैसे खर्च करने चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। बट यार, मेरे हिसाब से पबजी के लिए अगर खास आप ले रहे हो तो ये डिवाइस तो उसके लिए सही नहीं है। हाँ, लेकिन और भी बहुत से फीचर हैं जिनकी तरफ हम ध्यान दे सकते हैं, बट यहाँ पर बात हो रही है पबजी की, तो केवल हम उसी की बात करेंगे। तो गाइस, साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जा से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं इस तरह की वीडियो चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। गाइस, वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बट नॉर्मली मैंने इस डिवाइस से जुड़े सभी डाउट को यहाँ पर क्लियर कर दिया है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आपके डिवाइस से जुड़े नॉर्मली सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। गाइस, एक बात और, मैंने पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, एक्चुअली हम लोग करते क्या हैं, मार्केट में फ़ोन लॉन्च होता है और उसके साथ ही हम उस फ़ोन की बुकिंग कर देते हैं। ना तो उसकी बैटरी परफॉर्मेंस देखते हैं, ना ही हम उसके अनदर टेस्ट की गई वीडियो को देखते हैं। फिर बाद में हमें पछताना पड़ता है कि इसमें पबजी लैग हो रहा है, इसकी बैटरी बैकअप सही नहीं आ रहा है और हमें कई इशू फेस करने पड़ते हैं। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि फ़ोन को कम से कम 1 या 2 मंथ मार्केट में होने दें, उसके सभी रिव्यू टेस्ट को देख कर ही उसे परचेज करें। इससे होगा ये कि फ़ोन से जुड़े सभी प्रोज एंड कॉन्स का आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं है जो बिल्कुल पूरी तरह परफेक्ट हो। हर डिवाइस में कोई ना कोई कमी इशू होता ही है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस इशू को एक्सेप्ट करते हो या नहीं। बाकी यार, आप लोग खुद समझदार हो। तो भाई चलिए, अभी आप इस गेम प्ले का मजा लीजिए। Search for vehicles. Help! 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 Thank you.
Watch out. No. Help. I'm really sorry.